Hello guys, welcome back to the channel Mallar Soul. Presently I am at Surla Pals. It is the tip point of Surla Pals. Okay, just I am enjoying here and I have covered all the information regarding this trekking. Okay, please subscribe and comment, like, whatever you do, please. Okay. अभी मैं जम्बोटे में हूँ, ठीक है। बेलगाम से आया इस गाड़ी से शिवानंद जिद्दू मणि के साथ, ठीक है। अभी हम चलेंगे आगे, कनकुम भी है 18 किलोमीटर, उसके बाद 1-2 किलोमीटर डेल्टा पॉइंट मिलेगा। डेल्टा पॉइंट से हम सुरला एक ट्रैकिंग है, ठीक है, वो 2-3 किलोमीटर का ट्रैकिंग है, उसके बाद हम चले दिखाएंगे पूरा, ठीक है। ये है जम्बोटे, ठीक है, जम्बोटे आना ही पड़ेगा आपको। और एक दो रोड है, ठीक है, एक ये रोड है और एक कादापुर रोड है। मैं तो जम्बोटे रोड फॉलो कर रहा हूँ अभी। चलो आगे चलते हैं भाई। अभी जम्बोटे में है ना, एक होटल में हम घुस गए अभी अंदर। अभी है ना, वहाँ पे कुछ खाने कुछ नहीं मिलेगा, बहुत भूख लगता है ना ट्रैकिंग करने के बाद, इसलिए यहीं पार्सल लेके जाएंगे हम। अभी चार मसाला शिवा बोल रहा है कि चार मसाला राइस लेने के लिए हम पैक करवाएंगे अभी, ठीक है। चलो, हमारा दो मसाला राइस और एक स्टिंग हमने ले लिया है पार्सल यहाँ पे, हम चलेंगे सुरला पाल्स। भाई थैंक यू भाई, बट बहुत लेट कर लिया पता है। प्लेट दे दे, दो प्लेट दे दे, कितना, चार दे दे, चार। चलो भाई, फाइनली हम पहुंच गए डेल्टा पॉइंट, ठीक है। ये है डेल्टा पॉइंट, यहाँ से हमको आगे जाना पड़ेगा, ठीक है। अब ये पूरा इसका और बता दूंगा मैं यहाँ पे क्या क्या है, खाने के लिए अवेलेबिलिटी है क्या नहीं। पार्क कर दे कहीं। सुरला यहाँ से कितना किलोमीटर? सुरला यहाँ से कितना किलोमीटर? इधर से 5-6 किलोमीटर है। अच्छा, उधर से 3 किलोमीटर नीचे उतर, मतलब जो हमको ट्रैकिंग के लिए कौन सा ठीक रहेगा, ये है वो है ठीक रहेगा ट्रैकिंग के लिए, बड़ा यही है, ये अच्छा ना, ये दो ट्रैकिंग के लिए, ये तो मस्त है ना, थोकनड़ी हाँ अच्छा है ना ट्रैकिंग के लिए, उससे भी बढ़िया है ना, 2.2 किलोमीटर तक जाता है। कोई बात नहीं, हमको तो उसी के लिए आए, हम ट्रैकिंग के लिए, हमको यही व्यू पॉइंट चाहिए था। चलो ठीक है, ठीक है, हो जाएगा। अभी हम जाएंगे, हमारा ट्रैकिंग यहीं से स्टार्ट होगा। और ये पार्किंग के लिए जगह वहाँ पे है, बट वो चार्ज लगेगा, ठीक है, वो रिजॉर्ट का जो एरिया है ना, इसलिए वो 50 रुपए चार्ज लगाते हैं। इससे बढ़िया आप ना थोड़ा बहुत इनका जो पेरीमीटर है इसका, इसके साइड लगाओगे ना, कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे लगा दिया गाड़ी को। लो, हमारा ट्रैकिंग स्टार्ट हो गया है यहाँ पे। शिवानंद जिद्दी मणि, अरे वेट वेट वेट, आई एम कमिंग। धक्का डक विदिन उठ, देखो भाई ये है वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। आज बेवरा पूरा टेंस में है, पता नहीं क्या हो रहा है इसको। भाई थोड़ा शांत रहो यार, हमारे साथ रहो यार, मेरे को कुछ भी नहीं हो गया है। तू दूसरे के साथ जा रहा है यार, हमको छोड़ के हमारे साथ आए हैं। चलो कोई बात नहीं, चलो अभी फॉरेस्ट के बारे में क्या है भाई, ये ड्राई डिसीडियस है, कौन सा है ये? मॉइस्ट डिसीडियस है फॉरेस्ट, हमारा फॉरेस्ट ग्रेजुएट कार्तिक बेवर बोल रहा है। देखो ये भाई दो लोग हमको मिले हैं, ठीक है, ये भी टूरिस्ट है और हम चार बंदे आए हैं ना, ठीक है। आगे हमारा व्यू पॉइंट, बढ़िया व्यू पॉइंट मिलेगा। ये तो छोटा मोटा, अभी तो पानी बह रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये वेस्टर्न घाट से, पूरा वेस्टर्न घाट से है टोटल खानापुर, बेलगाम जो खानापुर पड़ता है ना, खानापुर से 30 किलोमीटर है और पंजी से 69 किलोमीटर है और जम्बोटे से 14 किलोमीटर और कौन सा पड़ा था जो, मतलब ये पूरा ना गोवा और कर्नाटक का बॉर्डर में पड़ता है, बट ये कर्नाटक में है, इस जो एरिया है कर्नाटक में है। और 2-3 किलोमीटर आगे जाएंगे ना, जो डेल्टा पॉइंट था वहाँ आगे जाओगे तो आपको गोवा स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। हरीश में ये जो ये ना, ये पूरा भर जाता है, ठीक है, उस टाइम आपको अलाउ नहीं करते, ठीक है, आपको पहले देख के एक बार ऑनलाइन चेक करके आया करो, ठीक है, तो मुश्किल हो जाएगा एंट्री आने के बाद आप जाओ। तो ये जो है ना, इसको बोलते हैं डेल्टा फॉल्स, ये 300-400 मीटर वो जो डेल्टा पॉइंट से है और इसके जाने के लिए नीचे रास्ता है, आगे जाना पड़ेगा थोड़ा बहुत आगे जाके, ये बस यहाँ से व्यू दिखता है, ठीक है। और अच्छे शूज़ पहन के आया करो, या बहुत स्लिपरी होता है इनके बारिश के टाइम पे, अभी तो धूप है कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं।
भाई लोग क्या हुआ था ना, लास्ट टाइम यहाँ अभी रिसेंटली ना चार बंदे आए थे यहाँ पे, उसमें वो हरिजन करके था, ठीक है, वो किसी पॉइंट से नीचे गिर गया था, ठीक है, उसके बाद से ये बंद था, ठीक है, ये फॉल्स पूरा बंद था, ठीक है, इसलिए गूगल में कभी भी आते हो ना, और कभी भी आते हो आप चेक करके आया करो यहाँ पे, और यहाँ स्लिप होने का बहुत डर रहता है बारिश में, तो आपको अच्छा वाला शूज पहन के आना पड़ता है, इतना डीप है यहाँ पे, ठीक है, ऐसे डीप में हमको जाना पड़ रहा है। भाई 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 भाई, भाई। चलो भैया, सबसे डीप में हम जाना पड़ रहा है, पूरा यहाँ पे ना इंक्लाइन होके जाना पड़ रहा है। डोंट वेस्ट योर टाइम, गो अहेड। भाई झुक झुक के जाना पड़ रहा है, गॉगल जरूरी है, सन के बहुत धूप है आज, थोड़ा कम है बट गॉगल लेके आया करो, गॉगल और शूज कंपलसरी, और रेनकोट एक लेके आया करो, ठीक है। देखो अंदर कितना अंधेरा है, कौन पड़ बकर, कौन पड़ नजर आप चले, आराम इधर देवरा, नीनू मकोंदे गेतिले, हां उठको सिपो तोकल ना मळो मरा इडे नी बावडा बावडा रे दीदी। नमकंतु रोड गोता पा, रोड मालूम ही नहीं हो रहा है, पता है, देखो देखो नीचे नदी बह रहा है, इसका साउंड, ठीक है, आहा हम तो बहुत धीरे धीरे आ रहे भैया। ओ यार रोड भी पता नहीं चल रहा है कहाँ जाना है, वाइल्ड एनिमल जैसे घूम रहे हम। आराम से आ रहा हूँ भाई, चलो चलो कोई नहीं, गिरूंगा नहीं, कितना तो श्योर हूँ। अयपा यार ले ले, जगह नहीं लग हुआ को हाई दिला हाई दिला, रोड भी नहीं है क्या यहाँ पे, बेवरा बेवरा हम रोड मिस तो नहीं किए, बेवरा रोड तो मिस तो नहीं किया हमने, करेक्ट है ना, चलो फिर गुस्सा आ रहा है क्या, हाँ सन्न को मैं हिंग 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 नान आगोल नायन बा हर गैप ना फाइनली, और एक छोटा पाल आगे दिखने वाला है हमें, अच्छा उसका पास शूज है, कैसा है, चलो चलो क्रक्स है क्या, ब्रांडेड क्रक्स है तो चढ़ सकता है, बट कंफर्टेबल शूज चाहिए, इधर हुड़को इधर हुड़को, ग्रास ऑफर भाई जा रहा है यार
यहाँ पे ना बहुत स्लिप हो रहा है यार, प्रॉब्लम ये है। ठीक है, कोई दिक्कत है चढ़ने में? देखो ऐसे ऐसे गिरा हुआ है पेड़ भी। ठीक है, ये अनएक्सप्लोर्ड पाल से छोटा सा। ठीक है, मैं जितना भी ब्लॉक देखा हूँ ये पॉल्स कोई नहीं लिया। ठीक है, फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। चलो भाई, कोई भी ब्लॉग देखते हो ना, ये ब्लॉग नहीं मिलता भाई, ये रख लो तेरे पास, कोई बात नहीं। बोलिए, बहुत स्लिप हो रहा है यार यहाँ। ये दोस्त बोलिए, बराबर बड़ मारे हाँ बोलते क्या। स्लो स्लो स्लो, लेट देम गो, लेट देम गो प्लीज, यू गो। वेयर फ्रॉम सर? रशिया। ओके, इज देयर वे? दिस इज द वे ना? ओके, ओके सर, थैंक यू, थैंक यू, नाइस टू मीट यू। ये ट्रैकिंग के बाद ना एक देखो, यहाँ लिखा हुआ है गोवा। ठीक है, ये जो एरिया है पूरा गोवा का एरिया है, और हम अभी देखो ये कर्नाटक का इस तरफ जो कर रही है, कर्नाटक का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आता है। ठीक है, इतना इतना ऑब्जर्वेशन है ना, बहुत मैं भी बहुत ऑब्जर्व करता हूँ ना। चलो कोई बात नहीं। लोग आपको ट्रैकिंग नहीं करना चाहते हो ना, जो डेल्टा पॉइंट था ना अभी, जो हमने गाड़ी पार्किंग किए थे, वहाँ से आगे जाना पड़ेगा, वहाँ पे सुरलाव विलेज आएगा। ठीक है, वहाँ से आपको डायरेक्ट रोड है। ठीक है, और आपको ट्रैकिंग के पसंद है तो आप ये रोड फॉलो करना पड़ेगा। ये पेड़ पे ना कांटा है। ठीक है, कांटा लग रहा है, जब पेड़ टच करने से पहले एक बार सोचना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, आराम से आजा, ए कांटा है पेड़ पे, देख के आजा आराम से, टर्न नहीं होना है। कम 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 कम, शिवानंद जिड्डी मनी हो रहे। वाओ, फाइनल रीच सुरला पास, क्या व्यू है भाई। हम भाई फाइनली हमने स्वर्ग पे आ गए। ठीक है, दो टाइप का स्वर्ग होता है, एक जहाँ टेम्पल रहता है वहाँ एक, और जहाँ पॉल्स रहता है नीचे रहता है ना, वो भी एक स्वर्ग ही माना जाता है। ठीक है, मैं अभी प्रेजेंटली स्वर्ग में हूँ, इसको बोलते हैं सुरला पॉल्स। ठीक है, दिखाता हूँ व्यू, देखो देखो भाई ये है पॉल्स। मैं नीचे दिखाऊंगा नहीं, देखो कितना बढ़िया व्यू है। वहाँ नीचे जाना पड़ेगा, बट पता नहीं वहाँ का रूट कहाँ पे, पता नहीं कहाँ पे जाना पड़ेगा कैसे। अरे देखो, वाओ, अभी हम नहाएंगे, हम भी मजे लेंगे इसका। ये फॉरेनर भी आ चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, देखो भाई मैं सोचा था सिर्फ बीच में ही फॉरेनर आते हैं, सिर्फ यहाँ यहाँ पे भी आते हैं। ठीक है, वाओ बेर, जिले बढ़ा ले बेरे, जिगे ले ले बेवरे को, नरक दिख रहा है, नरक दिख रहा है, दिख रहा है क्या रे।
शिवानंद भाई इसके बारे में कुछ बोलना चाहता है। बोलो भाई। ಇದಕ್ಕ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಪೂಲ್ ಅಂತಾರ, ಪೂಲ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಪೂಲ್। ठीक है। ए बेटा आटा भरो। इनफिनिटी पूल उसका फोटोग्राफी चल रहा है भाई, मतलब उसको बिगाड़ रहा लग रहा है। कोई बात नहीं, भाई गॉगल वगैरह और टाइट है, तभी लेके आना है तो बैग के अंदर नीचे चले जाएगा। देर इज अ मंकी प्रॉब्लम। यहाँ पे मंकी का भी बहुत दिक्कत है, ठीक है। देखो मंकी उसको छोड़ नहीं रहा है, उसको जितना गुस्सा दिलाओगे ना उतना वो भागेगा नहीं। भाई लोग ये है सोलह पाल्स का व्यू। नीचे गिर रहा है, ठीक है। ये टोटल ना 300 फीट डीप है, ठीक है। यहाँ से नहीं, जो नीचे गिर रहा है पानी, देखो यहाँ दिख सकता है आपको, यहाँ से जो गिर रहा है पानी ये ना नीचे गिर रहा है, ठीक है। 300 फीट डीप है, ये देख सकते हैं भाई। ये लंच का टाइम हमारा, हम अभी कार है, ठीक है। सब कुछ करने के बाद अभी थोड़ा बहुत खा के, ये प्लास्टिक जो लाए थे हमने, हम बैग में रख रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ फेंक के नहीं जाएंगे, ठीक है। आप लोगों को ऐसे करो, शिवा कार है अभी। लोग कणकुंबी से मिनिमम 10 किलोमीटर के बाद ना एक अच्छा व्यू पॉइंट है, ठीक है। हमने सुरला फॉल्स देखने के बाद कणकुंबी आए हैं। कणकुंबी से 10 किलोमीटर अंदर एक गांव है, कौन सा गांव है रे? चुगड़ा गांव करके है, ठीक है। वो चुगड़ा गांव पे एक व्यू पॉइंट दिखेगा, इसलिए हम आए हैं, ठीक है। एक पुराना मंदिर है वहां पे, वो वाला एक बहुत बढ़िया व्यू है, और एक अच्छा वाला व्यू दिखाता हूँ आपको। अब अभी मतलब हम लेट आए हैं ना, इसलिए देखो यहाँ पे थोड़ा फॉग कवर हो चुका है, इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है, बट बहुत बढ़िया व्यू है। थोड़ा जल्दी आना था हमको, और नीचे भी जा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। व्यू दिखाऊंगा मैं आपको, व्यू दिखाऊंगा। ये देख लीजिए, कुछ पानी का भी साउंड आ रहा है यहाँ पे। कह रहे भैया पाल्स नहीं, पाल्स है, कह रहे पाल्स, छोटा सा पाल्स है यहाँ पे, इसको पाल्स नहीं बोलते, झरना बोलते हैं, झरना। ये देखो ये है झरना, ठीक है। और ये दे सकते हो आप, कितना बढ़िया व्यू है। Hello guys, the moment has arrived already to end up this video, and already time is 6:15. So I have put full effort to make this video, and I think you people enjoy this video, and I hope you people like, give like and comment, okay? And okay, bye bye, bye bye.